नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएसटी न्यूज। अभी की बड़ी खबर नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के इंतजार में हैं, तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डाटा दूंगा जो कि सरकार के द्वारा बार बार समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या डाटा है, किस प्रकार का डाटा है, आप उसे समझने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। देखिए, मैं बेरोजगारों के हक में बात कर रहा हूं, बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहा हूं और जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू करा रहा हूं और सत्य बोल रहा हूं जो सत्य है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना ज्यादा युवाओं के सपने पूरे हो सकता है। इस खबर के बारे में आपको जानकारी हो, लेकिन आप इसकी गहराई तक जा पाए हैं या नहीं जा पाए हैं या मुझे मालूम नहीं है। मैं इसकी गहराई तक आपको ले जाने का प्रयास करूंगा और सरकार से एक सवाल पूछूंगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सरकारी भर्तियों की सूची जारी की है, जिसमें 2017 से अब तक सरकारी पदों पर दी गई कुल नौकरियों का विवरण दिया गया है। इस सूची में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तक के 3.5 साल के कार्यकाल में 3,31,803 पदों पर भर्तियां कर चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें 15 साल में 2,91,005 पद ही भर पाई थी। इस तरह योगी सरकार ने हर साल लगभग 1,00,000 पदों पर नियुक्तियां की हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में हुई भर्तियों से कई गुना ज्यादा है। सरकार से मेरा एक सवाल है, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जो पूर्ववर्ती सरकारों में विज्ञापन जारी किया गया था, जैसे सपा सरकार में जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन को लेकर आंकड़ा दे रहे हैं या खुद आपने विज्ञापन जारी किया, खुद भर्तियों को पूरी की है, इसका आंकड़ा दे रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य है, आप उसी आंकड़े को प्रदर्शित करें, उसी आंकड़े को दिखाएं जिसका विज्ञापन आपने खुद जारी किया है और खुद भर्ती को पूरी किए हैं। ऐसा तो नहीं कि सपा शासनकाल में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, परीक्षा नहीं हो पाई थी, कुछ में इंटरव्यू नहीं हो पाया था, कुछ में फिजिकल नहीं हो पाया था, कहीं उसका आप डाटा तो नहीं दे रहे हैं कि हमने इतने पदों पर भर्तियां की है। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है पूछने में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे तो मैं आपसे सही सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2020 तक आपके द्वारा कितने पदों पर विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है? मेरा एक सवाल है। शिक्षक भर्ती के बारे में मैं जानता हूं कि 68,500 शिक्षक भर्ती आई, उसमें कितने आरोप लगे, कितनी मशक्कत के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में मैं जानता हूं कि कितनी मशक्कत के बाद कितना प्रदर्शन हुआ तब जाकर भर्ती पूरी हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। पुलिस भर्ती के बारे में मैं जानता हूं। तो मेरा कहने के तात्पर्य है कि 2017 से लेकर 2020 तक आपके द्वारा कितने विज्ञापन जारी किए गए और भर्ती को पूरी किए, इसका डाटा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान सरकार ने खुद विज्ञापन जारी करके इतनी भर्तियों को पूरा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपा शासनकाल में भर्ती का विज्ञापन जारी हो, कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाए, कुछ अधीर हो जाए, सरकार परिवर्तन हो जाए, क्योंकि पब्लिक का मूड था कि सत्ता को परिवर्तन करना है, क्योंकि सभी को एक अवसर दिया जाना चाहिए और सभी के काम को देखा जाना चाहिए। तो सत्ता परिवर्तन हो गया, वैकेंसी आपके पास आ गई, कहीं आप उन भर्तियों को लेकर बात तो नहीं कर रहे हैं? सरकार को इसका डाटा देना चाहिए। अगर सरकार इसका डाटा प्रस्तुत करती है तो मैं मान लूँगा कि सरकार के द्वारा जितनी भर्तियां की गई हैं उतनी पिछली सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। रही टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात, कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसके संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है कि नवंबर से दिसंबर आपको नहीं इंतजार करना पड़ेगा, 15 नवंबर के पहले विज्ञापन आपके समक्ष होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें,
आवेदन की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट एकत्रित करें, आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।